ताजमहल न बना सके तो मजदूरों ने इसी छत पर एक ऐसी कमी छोड़ दी जिसे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज्यादा दिन न टिक सके। आज भी इसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। यदि यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता? ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बना रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। आपको बता दें कि ये लकड़ी नदी के पानी से नमी सोखती है, इसीलिए अगर यमुना नदी नहीं होती तो अभी तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल के चारों ओर के मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली गिरने की हालत में मीनार को मुख्य इमारत से गिरने से बचा